रिस्पेक्टेड श्री एस के गजमोती सर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीनियर ग्रेड, श्री पी के सिंह, चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर, श्री पी एस राव जी, अकाउंट्स ऑफिसर, श्री एम एस लवाल जी, श्री संजय पंत जी एंड ऑल माय कोलीग्स फ्रॉम हेडक्वार्टर एंड इट्स साइंटिस्ट प्रेजेंट इन दिस ट्रेनिंग सेशन. First of all, I would like to welcome you all on training session Procedures through GEM. At the outset, I would like to congratulate you all the people for your support and efforts made in the last financial year. Because of your sports and vigorous efforts, we were able to utilize our full fund were provided by the ICR for the year 2022-23. For that, once again, I would like to extend my thanks for all the people, all the involved in this purchase. By now, I think that all the people whosoever have participated and whosoever involved in purchases are well versed with the GEM purchase system, and which is also indicated in the purchases made by us in the last financial year through GEM. About 6 crores 45 lakh of amount of rupees 6.45 lakh 6 crore 45 lakh we have spent through GEM. So, which means a huge amount we have been able to purchase through GEM. आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. और ये जो मुझे सेशन दिया गया है purchase through GEM, इसके लिए मैं प्रशासन का, चीफ साहब का, डायरेक्टर साहब का, सबका धन्यवाद हूँ कि मुझे आप लोगों से जो इंटरेक्शन करने का मौका मिला. आप सभी को जैसा विदित है, GEM एक बहुत डायनामिक प्लेटफॉर्म है और इसमें जो है जो प्रोसीजर्स है कोई बहुत ज्यादा इसमें किसमें नहीं है कि कितना, वो सिर्फ तीन प्रकार की इसमें प्रोसीजर्स होती है, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स विच कैन बी डन थ्रू GEM. और आप सभी लोगों को पता है कि GEM इज ए डायनामिक प्लेटफॉर्म एंड GEM गवर्नमेंट ई मार्केटिंग और विच इज applicable to central state government, ministry or department including its attached and subordinate offices, central public sector units, PSUs, autonomous bodies, acting through its authorized on behalf of the President of India. So after due registration on GEM, everybody can purchase through GEM. There are on GEM purchase consignees, purchase officer and nodal officer. So nodal officer of GEM cannot perform any act on the purchase on behalf of that organization. As you know, जैसा आप सभी को पता है कि GEM से purchase करने के जो है हमारे basically तीन जो हमारा stages है, तीन हमारे जो है वो परचेजेस कर सकते हैं. जैसा आप सबको पता है, फर्स्ट वी कैन परचेज डायरेक्टली अप टू 25,000. सेकंड वी कैन परचेज बाय कंपैरिजन 25 टू 5 लाख एंड अबव 5 लाख बिडिंग इज टू बी डन. एज फार एज डायरेक्ट परचेज ऑफ 25,000 इज कंसर्न्ड, आप सब लोग GEM पे जो लॉग इन करते हैं और जो प्रोडक्ट आपको सर्च करना है तो उसको आप सर्च करके आप कार्ट कर सकते हैं. कार्ट करने के बाद आप लोग जो है उसको ई ऑफिस में उसको अपलोड करके अपने सक्षम अधिकारी के लिए जो है उसे सैंक्शन के लिए भेज सकते हैं. उसमें जो है आपको जो इंश्योर करना होता है कि आपका जो चीज आपने चाहिए, जो भी प्रोडक्ट या जो इक्विपमेंट या जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपकी स्पेसिफिकेशंस के अनुसार हो. और साथ में ये भी आपको इंश्योर करना होता है कि जो बाजार में प्रिवेलिंग प्राइस है तो उसके उसकी रीजनेबिलिटी होनी चाहिए.
अगर वो रीजनेबल आपका चल रहा है और आप सेटिस्फाइड है तो उसको फाइल को आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कोई इसमें जो है ज्यादा रूल्स या कोई इन्वॉल्व है, सिर्फ रेट रीजनेबिलिटी और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल परचेजिंग के हैं उस पर अभी तो जेम के ऊपर है। वो आपको सबके पता है कि कोई भी जो आप कुछ भी खरीद कर रहे होते हैं उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज अप्रूव्ड होनी चाहिए और उस चीज के लिए आपको आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जो परचेजेज है वो नीड बेस्ड की जाती है, इसीलिए जो है कोई परचेज इज नॉट मेड फॉर सेक ऑफ परचेज। इसमें 25,000 से जो ऊपर है उसके लिए आपको पता है, उसके लिए आपको जो है डायरेक्ट परचेज आप कर सकते हैं थ्रू कंपैरिजन। उसके लिए कंपैरिजन में आपको सबको पता है लॉग इन उसमें करते हैं और जो आप प्रोडक्ट देखते हैं उसमें आपको 3 कम से कम कंपैरिजन चाहिए होते हैं, और जो 3 कंपैरिजन चाहिए होते हैं आपको वो जो है अलग अलग ओईएम चाहिए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो भी चाहे इक्विपमेंट हो कोई अन्य चीज हो तो उसके लिए एटलीस्ट यू नीड 3 डिफरेंट ओईएम्स। बाय कंपैरिजन आफ्टर कंपैरिजन यू कैन जस्ट यू हैव टू एंश्योर द रेट रीजनेबिलिटी। तो इफ रेट रीजनेबिलिटी इज देयर इज द सेम आफ्टर कंपैरिजन यू कैन डाउनलोड दैट कंपैरिजन एंड स्पेसिफिकेशंस एंड मेक द फोल्डर एंड आफ्टर पुटिंग इनटू द ई ऑफिस फाइल यू कैन सेंड द फाइल टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी फॉर सैंक्शन एंड अप्रूवल। After 5 lakh, there is general bidding. You have to go for bidding above 5 lakhs. Up to certain limit. There is no limit. Our purchase is involved. So we can purchase as much as higher quantity of amount as you know. But for that, GFR is also to be kept in view. And for higher purchases, we must go for two bid systems. Recently, GEM has introduced also single bid system, which is very handy for purchasing of equipment, which is of low value. For this, this is time saving, and you have not to go for technical. Technical qualification and thereafter financial. Once when you go for single bid system, when you open the system, then price and technical is available. The price is available on right on that. And if there is 3-4 supplier is available, then you can select on reject on your technical qualification. So in that, if the lowest one is not fulfilling the requirement, then you have to be careful. In GEM, you cannot go for second L1. But on technical qualification, you have to give reason for their disqualification. Or I suggest that for straightway rejecting the firm's bid, you must seek clarification which technical qualification or technical specifications the firm is not meeting. Thereafter, after giving 48 hours, they will submit their presentation and you can accept their representation or you can also reject their representation, and thereafter you can move forward. And same is the case with two-bid system. In two-bid system, you have to technically scrutinize all the proposals, seeing there all the criteria such as EMD or MSME startups and their annual turnover. Everything has to be seen. So after looking into all the aspect and technical specifications, if all the firms meet the technical specifications, then all the bids have to be qualified. But if there is some technical qualification not meeting technical criteria, then you have to again, instead of directly rejecting, you must go for
taking seeking clarification from the firm, because we this is more democratic and regional opportunity is to be given. So when once you are providing a regional opportunity and after considering their representation, you can reject or select based on your requirement. There is nothing in that, you can select or reject. And after selecting that, then you have to take approval of the competent authority. And if three bids are there, then it's okay. If bids are less than two, or if two less than two OEM, then special permission of the competent authority is required to go with two OEM. So after getting the approval of the competent authority, you can process the purchase. Here, it must be kept in mind while going for purchase, we must give reasonable time and invariably not less than 21 days may be given. If not urgent, if something is urgent by properly justifying that on file, we can go for 10-15 days. But it is my suggestion that we must avoid all these things. We must give proper time to the firm so that maximum firms can submit their bid and there is a healthy competition and the item is purchased on competitive basis. Third, we have also purchasing through PAC system. The proprietary item, sometimes we have to go for proprietary, and proprietary item is a very ticklish issue, and we must avoid purchasing on a proprietary basis if that material we must explore before going for proprietary that it is available and some other supplier is available. Now, first we have to we simply procure the proprietary certificate from the inventor, and thereafter from our internal finance and with the approval of the competent authority, and we used to ascertain the reasonability of rate and directly give it order to the firm. But now in GEM has enabled bidding for proprietary item also, in which multiple seller of OEM can take part and competition is there. OEM duly has to be seen that all the firms which are participating are duly authorized by the OEM, and all the authorization letter is there from OEM to support the bid, and in future if there is something wrong with the equipment and they must take the responsibility. So this we have to ensure proprietary item hai wo hota hai reasonability of rate. So reasonability of rates jo hame ensure karna hota hai wo hamara bahut zaruri hota hai, kyunki jab ek hi supplier hota hai to ye sambhavna hoti hai, there is always chances that prices may be inflated because there is only single supplier. तो उसके लिए जो आपका जो प्राइस मैकेनिज्म है उसके लिए आप जो है वो एक तो उनका ये होता है कि फॉल्स क्लास मंगवा लो उससे, और दूसरे आपका जब वो प्रोप्राइटरी आइटम होती है उसमें आप जो है वो अगर उसके आइटम के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो उसमें साइट जो है उसका वो सारा आ जाता है, और फिर उसमें एक जो आता है वो आता है आपका जो है प्रीवियस हिस्ट्री जब आप चेक करोगे तो जो उस फर्म ने वही चीज किसी को और सप्लाई की होती है तो उसका जो है वो रेट्स वगैरह आ जाते हैं, जिससे आप ये असर्टेन कर सकते हैं कि ये जो प्राइस हमें ऑफर किया गया है ये रीजनेबल है या ये इसमें जो है ज्यादा है, तो हम जो है उसको फर्म के साथ उसको नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, जो सीवीसी वगैरह का गाइडलाइन था उसके मुताबिक पहले जो बहुत ही रेयर केसेस में हमें जो है वो हम नेगोशिएशन कर सकते हैं,
रेयर केसेस पे ही हम नेगोशिएशन को विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो कर सकते हैं, और फर्म को हम ये कह सकते हैं कि आप जो अपना प्राइस रीजनेबल करो। तो फर्म अगर रीजनेबल करती है और हम सेटिस्फाइड है कि इतना इस आइटम का है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इक्विपमेंट, तो उसकी जो है जो भी आपको मशीन या वो चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशंस और उसकी जो यूटिलिटी को देखते हुए हम उसको उसके प्राइस को ये कर सकते हैं कि ये प्राइस रीजनेबल है और फिर उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है आपका था, ये इसमें जो मेन मेन जो आपके परचेजेस थे वो यही इसमें जो है, बाद में कोई इंटरेक्शन में आपको कोई अगर पूछना हो तो हम बताएंगे इसमें जो भी आपकी कोई क्वेरी हो, लेकिन कुछ इसमें बिंदु है इतने जो मैंने देखा है पीछे जो हम परचेजेस करते रहे हैं उसमें जो फाइलें हमारे स्टेशनों से यहाँ से आती रही है उसमें जो है कुछ बिंदु जो है बहुत इम्पोर्टेंट है जो कभी मैं शेयर भी करना चाहता था कि ताकि हमारी जो परचेजेस एफिशिएंटली हो और समय से हो और उसमें जो है फाइल को ज़्यादा इधर उधर घुमाना ना पड़े। एक तो जो पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीजनेबिलिटी ऑफ रेट, तो हमारे जो केंद्रों से आता है तो अब तो थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई नो डाउट, लेकिन जो आता है उसमें रेट रीजनेबिलिटी कभी नहीं दी होती। तो रेट रीजनेबिलिटी ना देने के कारण फिर हमारे को, क्योंकि जो जेम्स है परचेजिंग है, रेट रीजनेबिलिटी इज मस्ट एंड दैट मस्ट बी ऑन दी फाइल, जो आपकी ई ऑफिस का फाइल है उस पे रेट रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। आप लोगों ने जो काट करके जो डाउनलोड किया है उस पे भी लिख देते हैं कि रेट्स आर रीजनेबल स्पेसिफिकेशंस आर ओके, वो बात सही है, लेकिन हमारे को जो है फाइल पे वो चीज चाहिए होती है। कभी भी जब बाद में ऑडिट होता है उनको जब हमारी नोटिंग होती है उससे साफ पता चलना चाहिए कि परचेज किस तरीके से की गई है, किस बेस पे की गई है, क्या आवश्यकता थी और रेट रीजनेबल है, वो ये सारी चीजें एक वन गो में जो है उनको नोटिंग से आपकी पता होनी चाहिए। तो एक तो इसका जो है नोटिंग जो है उसमें आप प्राइस रीजनेबिलिटी उसका जरूर दिया करें ताकि हमारे को फाइल जो है बाद में वापस ना करना पड़े। और एक जो इसका होता है कई बार उसमें जो नोटिंग में आता है हमें देखने को आता है कि फंड्स हमारे पास अवेलेबल है इसलिए हमारे को ये खरीदना है। दी परचेज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग इज नॉट मनी, द क्राइटेरिया इज the need of the institution, need of the individual and the institution. Need-based purchasing is done. For need-based purchasing, the equipment, whatever article, it must be approved somewhere. And if it's not approved, then there must be proper justification for purchasing anything. After giving justification and approval of the competent authority is required, to go for purchase of the item. Therefore, we must not hesitate in writing on file. I have observed that while going through the files, they are very miser in writing. आप लिखने में कोई कोताही ना करें, आप एक पेज पूरा लिखें, पूरी जस्टिफिकेशन लिखे, वही हमारा बेस बनता है। तो जो लिखने में है आप कोई उसमें वो ना, और जो दो चीजें और तीसरा, जब भी आप परचेज के लिए वो यहाँ पे फाइल भेजते हैं तो उसमें जो है आप लोग जब परचेज के लिए फाइल फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें जो है सारा जो आपका जेम का जो आप लोगों ने काट किया होता है उसकी कंपैरिजन शीट होती है, और कम से कम अगर बहुत बड़ा नहीं तो मेन चीजें उसका एक कंपैरिजन शीट का और एक उसकी स्पेसिफिकेशंस का, वो जो है फाइल के साथ जरूर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख नहीं सकते कि कंपेरिजन शीट में आप दे देते हैं इतना रुपया ये है, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलता कि ये जो है कंपैरिजन जो किया हुआ है कितनी, जो L1 है उसका कितना था, L2 है उसका कितना था, L3 है उसका कितना था, और जो आपने कंपैरिजन किया है वो इंश्योर करना है कि वो जो आपने दिया है वो 3 OEM अवश्य होना चाहिए। 3 उससे हमारे को ये होगा कि हमें जब फाइल प्रोसेस करनी होगी
तो बार बार आपको फाइल रिवर्ट बैक नहीं करनी पड़ेगी। उसमें जो भी आपका इक्विपमेंट वगैरह है उसके लिए आप जो है प्रॉपरली उसको, एक तो उसमें जो आपकी प्रपोजल होती है, परचेज जो है वो जो भी स्टार्ट होती है परचेज वो प्रपोजल से होती है, तो पहले प्रॉपर प्रपोजल, और प्रपोजल में उसमें कॉलम है उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन, उसका एस्टिमेटेड अमाउंट, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें जो अमाउंट है वो बजट हेड मेंशन नहीं होता। बजट हेड जरूर मेंशन होना चाहिए जब भी आप करो, और जो कंक्लूडिंग आपकी नोटिंग होनी चाहिए जो लास्ट में पूरा डिटेल देके, वो ये होनी चाहिए कि सच एंड सच आइटम इज रिकमेंडेड फॉर परचेज ऑन डायरेक्ट ऑन कंपैरिजन बेसिस एंड परचेज इज फ्रॉम दी फर्म L1 दैट इज फलाना फॉर रुपीज इतना एंड दी बजट इज टू बी यूटिलाइज फ्रॉम सच एंड सच हेड एंड सबमिटेड फॉर दी अप्रूवल ऑफ दी कंपिटेंट अथॉरिटी। अगर इस तरह आप भेजोगे तो आपका केस जो है बिल्कुल कंप्लीट होगा। एक बार आप भेजोगे तो आपकी जो है परचेज इमीडिएटली जो है वो यहाँ से अप्रूव होके आपको पहुँच जाएगी। और दूसरे जो उसमें एक और समस्या आती है हमारे को, जो काट करके आइटम भेजते हैं तो काट करके उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो बहुत ही जल्दी करना पड़ता है। आपको पता है 10 डेज में आउट ऑफ कार्ट हो जाती है, तो हमें जो भी वो है तो हमारे जो है कम्युनिकेशन जरूर करना चाहिए टेलीफोन पे और उस पर बात करके, क्योंकि कई आदमी भी, सब लोग साइंटिस्ट हैं हमारे टेक्निकल है, उनके पास फाइल जाती तो वो लोग बिजी होते हैं। मेरा ये सिस्टम रहा है कि मैं फाइल भेजने के साथ साथ जो भी हो गए उनको मैं फोन कर देता हूँ कि आपको ये फाइल भेजिए, ये कमी है, ये कमी आप उसमें करके भेजो, और ताकि आपका वो हो सके। बहुत सी हमारे एफर्ट्स जो है वो मैंने लिखा है बेकार गए हैं, इसलिए क्योंकि हमारे जो कार्ट में हमने की थी, जितने में हमारा फाइल अप्रूव हुई उतने में वो कार्ट से आउट ऑफ कार्ट हो गया, और उस आउट ऑफ कार्ट होने से हमारे को फिर रीप्रोसेस वो करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद हम लोगों ने अच्छा जो है प्रोग्रेस की है, और इसके लिए आप सब लोग जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब जो है जैम पे किसी को कोई बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है, और जब भी कभी आप लोग कहीं भी किसी भी चीज़ में इफ़ सम प्रॉब्लम इज देयर तो आप डायरेक्टली हमारे को फ़ोन करते हैं, आगे भी कर सकते हैं और करते रहिएगा, क्योंकि जो फ़ोन पे बात हो जाएगी वो जो है 5 मिनट में जो काम हो जाएगा वो कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं। तो जैम का जो मैंने ये जो मेन आपकी जैम के जो परचेजेस थी और जो इसमें जो इन्वॉल्व है सारी जो टेक्निकलिटीज या जो इसमें जो भी कुछ हमें बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वट एवर हैज़ टू बी टेकन इन टू अकाउंट, वट एवर हैज़ टू बी केप्ट इन व्यू वाइल परचेजिंग टू जैम, दैट ऑल आई हैव नरेटेड इन ब्रीफ टू यू पीपल। एंड अब आप लोग जो है अगर उसमें कुछ आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेरी है या कोई आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। संजय जी किसी का कोई क्वेरी हो या कुछ हो कोई वो तो बता सकते हैं। ये इसमें एक सर, उसका सर मैं हमारा उसका था एक पॉइंट टच करने को रहेगा, जो व्हीकल्स है व्हीकल्स में कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं है। 30 लाख तक आप लोग जो है, जैसे हमारे ये ट्रैक्टर वैसे तो इक्विपमेंट में है लेकिन उसका परचेज प्रोसीजर भी वही है जैसे हमारी सारी गाड़ियां वगैरह हैं। 30 लाख तक का बिना कंपैरिजन के आपको जो चाहिए वो आपको खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये तो आपको इंश्योर करना होगा कि EFC मेमो में कहीं ना कहीं वो आपके लिए अप्रूव्ड है, और विद ड्यू परमिशन ऑफ द काउंसिल IMC हमें जो है अगर रिप्लेसमेंट का है तो IMC से प्रॉपर अप्रूवल होनी चाहिए, उसके बाद जो है हम उसकी रिप्लेसमेंट के लिए ICR को प्रपोजल भेजते हैं, ICR अप्रूव करती है, उसके बाद हम यहाँ पे जो है बिना कंपैरिजन से वो डायरेक्ट टर्म परचेज कर सकते हैं किसी भी जिस भी मेक का आपको चाहिए, और उसके लिए आपको 30 लाख तक का जो है वो आप बिना कंपैरिजन से खरीद सकते हैं, जैसे इस बारे में काफ़ी चीज़ें खरीदी गई है। अभी आ रहा था सर किसी का क्वेश्चन। अच्छा हेलो। हाँ जी हाँ जी
हाँ सर, नमस्कार सर, मैं गोयल आगरा से बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, एक जो आपने जो सर्टिफिकेट के लिए बोला है, वीडियो गोयल जी वीडियो ओपन कर लो, सभी लोग वीडियो ओपन कर लो, वीडियो सब बंद करके बैठे। हाँ, काय के लिए? हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ये जो सर्टिफिकेट वाला जो आपने ऑप्शन बताया कि ये मैंडेटरी है, काय कौन सा रीजनेबिलिटी वाली बात करो ना। रीजनेबिलिटी, हाँ हाँ हाँ, रीजनेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट आप बता रहे हैं ना, जेम पर जेम का होना बहुत जरूरी है। उसमें कुछ आइटम का ऐसा होता है ना सर कि मार्केट से बहुत कम रेट में आता है, उसको इन्वेंटर होता है वो, ये उसका क्वेश्चन होता है कि मार्केट में बहुत सस्ता मिल रहा है और जेम में जो खरीदा जा रहा है वो महंगे दर पे है, तो उसका हम सर्टिफिकेट कैसे दें? नहीं, एक बात ये है ना कि अगर तो देखो, जेम तो हमारा एसेंशियल है, एवरी परचेज हैज टू बी डन थ्रू जेम। ये गवर्नमेंट के अभी भी आप लोगों को शायद हमने इसलिए नहीं किया कि आप लोग कब इन्फॉर्मेशन देते क्या, आई माई सेल्फ हैव कंपाइल्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द होल ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड सेंड द लिस्ट टू द ICR, द आइटम परचेज आउट ऑफ जेम। अभी मांगा था ICR ने आइटम परचेज आउट ऑफ जेम, तो हमने उनको लिस्ट भेजा है। इसका कोई वो नहीं है कि आपको असेंशियली टू जेम हमने परचेज करनी है, पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अंतर प्राइसेस में है तो हम जो है उसको वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन देके, और बाहर कोई बहुत ज़्यादा अंतर है तो हम उसको बाहर जा सकते हैं, लेकिन एज ए जनरल रूल हमारे को जेम से बाहर जाने का परमिशन नहीं है जी। मेरे ख्याल से इसमें जो है ना कंपैरिजन आपको मार्केट रेट से नहीं होना है। इसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे जो मार्केट है वहीं से ही कंपैरिजन करना है इसमें आपको। और उसमें जब आइटम में आपको मैं बता दूं सर, इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है सर। मान लो सपोज कोई आइटम आपने खरीदना है, उसको देख लिया आपने जेम पे, तो उस पे जाके आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद उसका हिस्ट्री परचेज हिस्ट्री में जाओ, परचेज हिस्ट्री में उसका प्राइस आता है, उससे भी आपको थोड़ा बहुत उसके कंपैरिजन के लिए आपको वो बेस मिल जाएगा रीजनेबिलिटी के लिए जी। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा हाई के, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड है, कोई 10 की चीज अगर 20 में आ रही, 15 में आ रही, तो वो तो हम बाहर से खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को जो है वो गवर्नमेंट मनी शुड बी स्पेंट विद प्रूडेंस। यस सर, आपकी क्वालिटी जो आपको मार्केट में सस्ती मिल रही है बहुत ज्यादा, उसकी क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपको रेट ही देखना है, आपको क्वालिटी भी असर बिल्कुल बिल्कुल मार्केट में आपको कोई मतलब वही चीज मतलब थर्ड क्लास जो है कि 50% कम पे अगर कम पर मतलब दे देगा, खाली रेट ही नहीं देखना है, क्वालिटी भी आपको मतलब करनी ना। इसलिए ये नहीं कि मार्केट में कम मिल रहा है तो हो सकता है वो मतलब जो है कि मतलब सबको नमस्कार सर। इस पॉइंट में सर मैं एक छोटा सा बोलना चाहता हूँ सर, जैसे कि मैं कंपैरिजन अगर करूंगा सर, मैं ई प्लेटफॉर्म में अगर करूंगा तो ऐसा होता है सर, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन हो, किसी का भी ले लूंगा ना सर, उसमें तो बहुत वेरिएशन रहता है सर प्राइस में। जैसे कि एक पेन ड्राइव का ही देख लीजिए, अगर जेम में देखेंगे तो 600-700 दिखाता है सर, जिस तरह की अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आप देखेंगे तो 300-400 दिखाता है सर। तो वो लोग कभी कभी ऑफर्स दे देते हैं, ये सारे हो जाता है सर। उस टाइम पे क्या है कि रेट रीजनेबिलिटी के लिए हम लोग इंसिस्ट करना पड़ता है सर कंट्रोलिंग ऑफिसर को कि प्राइस रीजनेबिलिटी दे देना चाहिए, वेरेज वो जब अपना देखते हैं तो अदर प्लेटफॉर्म में सर बहुत ही सस्ता होता है सर। कुछ मैटर में कैसे सॉल्व करें सर? नहीं देखो, एक बात सुनो ना, जेम इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर गवर्नमेंट एंड यू आर परचेजिंग वन थिंग ऑन जेम प्लेटफॉर्म एंड कंपेयरिंग इट टू अदर प्लेटफॉर्म, दैट विल नॉट डू, दैट इज नॉट ओके। यू हैव टू कंपेयर ओनली ऑन जेम, क्योंकि वी कैन नॉट गो आउट ऑफ जेम। सर इस मैटर में मेरे साथ ऐसा हुआ सर कि मैं जब कोरापुट लिखता हूँ सर, जब नॉर्मल जेम में जब ओपन करता हूँ सर, 2000 रुपए दिखाता है। जब मैं कोरापुट का प्लेस जब
कोरापुट जब ये करता हूँ सर, 2000 का 4000 रुपए हो जाता है सर अपने आप ही, जब कार्ड में जोड़ के देखता हूँ मैं 4000 रुपए हो जाता है। ये परचेज में मैंने भी देखा है कि अगर आप किसी लोकेशन को जैसे ही कंसाइनी लोकेशन डालोगे, जो रुपीज आपके वो 150 की हो सीधा 200 का हो जाता है। लेकिन आप बताओ आपकी जो लोकेशन है वो लोकेशन तो आपके गवर्नमेंट ऑफिस है, हमारे को उसी लोकेशन के लिए खरीदना पड़ेगा जिस लोकेशन में हम हैं, और उसके लिए हमें प्राइस भी वही देना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जो जेम है, जेम पे जो फर्म रजिस्टर्ड करती है उनको बहुत फॉर्म करनी पड़ती है, और जेम भी उनको चार्ज करता है, जेम भी उनसे फीस चार्ज करता है, उनकी स्पेशल फी है, और जो फी वो चार्ज करते हैं वो सारा जो वो लोग चार्ज करेंगे अल्टीमेटली तो हम लोगों से ही करेंगे। क्योंकि जैसे अमेजन ये है, इनके रजिस्ट्रेशन का कोई कुछ नहीं है, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो जेम पे रजिस्टर्ड है उसके लिए पाबंदी भी है, उसका GST भी है, उसका मतलब आप सब चीज होता है, तो जेम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हमें सिर्फ फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेम लेता है, और हम क्वालिटी और वो हमें देखना है रीजनेबिलिटी। सर इसमें एक सजेशन है कि फ्लिपकार्ट अमेजन हमारे पेमेंट के मोड में फिट भी नहीं होते हैं। फिट नहीं होंगे तो उनके पास तो हम ना ही करें फ्लिपकार्ट। और उस पर ये भी देखा गया कई बार वो जो है सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए जो आपकी 1000 की चीज जो 500 पे करते हैं, और जैसे उनका 100 उनका वो मार्केट भाई 100 हमने ये बोतल बेचनी 100 जैसे ही वो वैसे प्राइस अप कर देंगे, तो ये ई मार्केटिंग गवर्नमेंट ई मार्केटिंग में हम इस तरह उसको नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली हमारे लिए बना है और हम इसी की जा सकते हैं और इसी पे कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ बाजार में बहुत ज़्यादा अगर अंतर हो तो हम कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी जेम पे परचेजेज है तो जेम पे परचेजेज है वो आप लोगों के लिए ये भी है कि जेम पे जो आप परचेज करते हैं जब जहीं आप गलत करते हैं, मान लो आपका 25 लिमिट इज 25 फॉर डायरेक्ट परचेज, एज यू गो टू 25,000 ₹1 जब विल आस्क नो यू नीड टू कंपेयर द आइटम्स, इट इज सेफर फॉर वी पीपल दैट ऑन जेम वी आर सेफ एंड वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स एंड ऑल दीस थिंग्स, माइनर थिंग्स वी हैव टू टेक केयर एंड सम टाइम वेरी difficult and it is very cumbersome, it is very intensive, labor intensive, labor हमारे को इतनी पड़ती है। कभी कई कई बार हमने देखा यहाँ पे 50-60,000 या 1 lakh की कोई चीज़ खरीदते हुए हमने पूरे 3 महीने वेस्ट कर दिए, लेकिन देयर आफ्टर वी बॉट दैट मटीरियल सेपरल टाइम्स वी हैव टू कंपेयर, वी हैव टू डू बिडिंग सेपरल टाइम्स, and one thing is if you the 5000 5 lakh तक हम direct comparison पे कर सकते हैं, अगर direct comparison पे आप नहीं मिलता आपको तो उसके लिए भी आप उसको base करके या 3 OM नहीं मिलते तो उसके लिए भी आप journal bidding कर सकते हो, journal bidding उसके लिए आप कर सकते हो। तो ऐसे नहीं है 5 lakh से नीचे, पहले था ये के below 5 lakh you cannot do journal bidding, but now you can do bidding for any amount above 20,000। और एक जो कस्टम बिडिंग का थोड़ा सा आप लोगों का कस्टम बिडिंग का कस्टम बिडिंग आपके पास कस्टम बिडिंग दो के लिए होता है, दो, वन इफ थिंग्स आर नॉट मतलब अवेलेबल एट ऑल देम, एंड सेकेंडली अवेलेबल नो 3 OM आर रेडी टू सप्लाई, 2 OM इज देयर, देन keeping making the base of the available material you can go for customized bidding by preparing your requirement and catalog jo hota hai wo upload ho jata hai to aapki requirement ke mutabik bhi aap jo hai custom bidding se samaan khareed sakte hain। humne bahut sara samaan jo custom bidding mein khareeda hai aur jo hamara ye iske liye abhi vehicle ye sara cheez hai, ab vehicle hai vehicle ka jo available hai jump pe that is for one vehicle, any vehicle, any bus, daily basis पे they will provide you along with driver, but if you want multiple as we need bus, we need jeeps, we need utility and other things, so we have to essentially go for custom bidding।
we give our requirement, place on that platform, and people will submit their rates, and we will open and process, and we will get all these things. So everything is now GEM जो मेरा कहना ये है कि GEM पे बहुत से जो है अब enable कर दिए उन्होंने, बहुत से आपको जो है वो अभी एक पुश ओवर बटन का भी वो भी हो, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं किया कि अभी उसमें क्लैरिटी नहीं है, नहीं तो पुश बटन का भी आ गया जिसमें आपको रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स भी देना है, लेकिन इट इज़ इन वेरी वेरी अर्ली स्टेज, सो आई हैव नॉट टच दैट पॉइंट. इसका लेट अस हैव क्लैरिटी ऑन दैट एंड देयर आफ्टर वी कैन गो देयर. यू डोंट हैव टू गिव रीजनेबिलिटी ऑफ रेट, बट एटलीस्ट 5 फर्म्स आर देयर, देयर इज सम मैकेनिज्म. That mechanism has not materialized या matured. So we मेरे यही सलाह है कि हम तीन ही इसके साथ जो है simple अपने keep it simple, अपने simple तरीके से आगे रखें, इससे जो purchases है जैम से अपने करते रहें. और अभी हमारा financial year शुरू हुआ है, हम ये करें कोशिश कि दिसंबर तक सारी purchases कर दें. इस बारी हमने 25-30 तक हम free हो गए थे मार्च तक, अगला हमारा target ये है कि कम से कम दिसंबर या जनवरी तक हम सारी परचेजेस करके आराम से बैठ जाए. तो इसके लिए जैसे ही हमारे को बजट आता है, आप सब लोग जो है वो इसके लिए एफर्ट्स करें ताकि हमारी जो है आगे मार्च का वो रश ही ना रहे, क्योंकि आपको पता है मार्च में जो रश ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर और मार्च का वो दैट इज ऑलवेज ऑडिट जो है इसको हमेशा देखता है बड़े भारी. पिछले इंस्टीट्यूशन में अपना अनुभव बताता हूँ, बहुत सारे ऑडिट कराए एक मार्च की परचेज और लास्ट क्वार्टर की, वो स्पेसिफिकली दी थी. तो इस बारी हमारा मार्च में और स्पेशल लास्ट क्वार्टर स्पेशली इन मार्च बहुत ज़्यादा परचेजेस हमने की है. और चलो इंस्टीट्यूशन और उसके लिए एज पर रिक्वायरमेंट हमारे को वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पर एज फार एज पॉसिबल वी मस्ट अवॉइड दिस टाइप ऑफ सिचुएशन के 40% or 30% बजट इज यूटिलाइज ओनली इन द लास्ट क्वार्टर. सर मैं नमस्कार सर, सर और एक क्वेरी था सर मेरा, सर ये था कि अगर कितना अटेम्प्ट मुझे कोशिश करना है सर जब मैं परचेज करने के लिए, जैसे कि एक बार ऑर्डर प्लेस किया हूँ डिने किए, दोबारा ऑर्डर प्लेस किया हूँ डिने किए, सर ऐसा कितना अटेम्प्ट मुझे लेना चाहिए सर जब मैं की परचेज करने के लिए. ऐसा ना, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, बट मेरा ये कहना है कि कम से कम दो तीन अटेम्प्ट करो, और जब आपने वो अटेम्प्ट कर दिए वो सारा जो है स्कैन करके वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, एंड वी हैव नो हेजिटेशन गो आउट ऑफ जेम. ओके सर, ओके, वन ऑफ द रीजंस आई सबमिटेड टू द आईसीआर, वन ऑफ द रीजन वाज आल्सो दैट, वन ऑफ द रीजंस वाज दैट आफ्टर ट्राइंग सेवरल टाइम ऑन जेम एंड फर्म फेल्स टू सप्लाई द मटेरियल, दी सम टाइम दे रिजेक्ट एट द 11th hour when we have left with no time, then we have to go out of GEM. But there must be reasonable and genuine efforts. It must be looked on the document that we have made genuine efforts to purchase the material through GEM. And after no option, we have to go as per our requirement out of GEM. Sir, mera question tha, sir. Sir, mera question tha, meri awaaz aa rahi hai? खरीद करते हैं तो वो करते हैं कमेटी के थ्रू, क्योंकि यहाँ रेट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो होता नहीं है, बड़ी कम परचेज होती है, तो क्या हम BOQ बिडिंग के साथ कर सकते हैं, BOQ बिडिंग कर सकते हैं हम उसकी? BOQ बिडिंग क्यों, ऐसे नॉर्मल अवेलेबल नहीं है क्या? वो नॉर्मल नहीं मिलते हैं, अगर हमें 15 चाहिए होंगे तो उसमें 3-4 मिलेंगे लिए, आपके लिए वो थोड़ा सा वो हो जाता है, BOQ बिडिंग भी कर सकते हैं, वो आपको लिस्ट वगैरह वो सारा वो बनाना पड़ता है, तो BOQ बिडिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि BOQ में मेरे को लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें जो लिस्ट में हमने किया है, हमने जो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एंड सम ऑफ द केमिकल्स नॉट अवेलेबल ऑन जेम एंड फ्रूट प्लांट्स सैपलिंग्स ऑफ फ्लावर प्लांट मेडिसिनल प्लांट एंड
बैम्बू ट्रीज एटसेट्रा, वो हमने सारा उनको मेंशन किया है। मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट का यही उद्देश्य है कि जो लिस्ट हमने भेजा है वो कोशिश करेंगे कि इन चीजों के लिए भी लोग जैम पे रजिस्टर कर दें। ठीक है, तो रेयर रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे रिसर्च का काम रुकना नहीं चाहिए। फॉर रेयर रिक्वायरमेंट वी शुड नॉट हेजिटेट टू परचेज बीओक्यू, और अगर नहीं तीन चार बार एफर्ट किए तो हमें काम तो चलाना है, रिसर्च तो रुकेगी नहीं, तो हम बाहर भी जा सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है। लेकिन इट मस्ट बी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है उसमें करना है हमारे। चलो एक बार बीओक्यू बिड मंगवा लेते हैं, अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते हैं फिर हम जो है मार्केट से कोटेशन। हाँ, तो आपने एफएससी वो भी कर लिया और जनरल बिडिंग कर ली, बीओक्यू बिडिंग भी कर दी, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा मेरा था क्वेश्चन कि हमारे जो यूजर आईडी बनी थी, ये बनी थी मैडम निर्मला सरदी के नाम से, सीटीओ है, तो वो रिटायर हो चुके हैं। नाम थी निर्मला सरदी सीटीओ, वो अच्छा, वो 31 मार्च को रिटायर हो गए हैं। अच्छा, उन अब जो है इसमें ओटीपी आता है, तो वो यहाँ पर कोई भी नहीं था कि किसके मतलब मोबाइल में रजिस्टर करें, तो वो मैंने अपना मोबाइल रजिस्टर कर दिया था उसमें। अच्छा, ओटीपी के लिए। तो अब जो इसमें जेम में नाम दिखाता है वायर का, तो वो मेरा दिखाता है जगदीश चंद का, पर यूजर आईडी उनकी चल रही है। अब वो यूजर आईडी नहीं, ये बात है ना, once she has retired, you must not use her ID. नहीं, her ID has to be cancelled and you must make जो है ना new ID in your own name. That would be better. नहीं, वो हम नहीं कर सकते, मुझे लगता है वो हेडक्वार्टर से करना पड़ेगी, क्योंकि हम कर देंगे ना, वो भेजो तो कर देंगे, आपका यूजर आईडी क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे हम, नोडल ऑफिसर उसके लिए है हमारे पास, तो हम करेंगे उसमें जैम पे कर देंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मेरे नाम से आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी चाहिए के नंबर आप, हां तो हु विल बी रिस्पांसिबल फॉर परचेज, अगर ऑफिसर तुम्हारे वो होता है तो आईडी, तो वो आईडी तो उनकी है, कर आते हैं तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। हां वही ना, क्योंकि मैं तो असिस्टेंट को, यूजर आईडी क्रिएट कर लो, आपके स्टोर ऑफिसर तो होंगे कोई, स्टोर ऑफिसर हां एसके यादव को बना रखा है वो, उनके पर्टिकुलर भेजो आप मेल से सर, यहां पे क्रिएट हो जाए, बिल्कुल क्रिएट कर देंगे। और आप जो और दूसरे मेरा ये भी सुझाव है कि एक नहीं है, कम से कम दो एक आईडी क्रिएट करके रखो, अगर आप नहीं है तो दूसरा भी उसको वो कर सके, और वो आप सब लोगों को बताए कि ये जो है थोड़ा सा मतलब जो है ना जुडिशियसली, और मतलब जो है और अपने पासवर्ड जो है वो आप लोगों के पास हो, और इसको जो है कोई ऐसे नहीं है कि कोई भी उसको यूज करे। सर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हमने कोई ऑर्डर देना हो तो सेंसर हमारे पास आ जाती है, ऑर्डर देना हो तो ओटीपी जाता है स्टोर ऑफिसर के पास, फिर उनको फोन करके पूछो कि जी ओटीपी आया कि नहीं आया। जो अपने भी है तो एक आप लोग कंसाइनी रख लो ना, एक कंसाइनी रख लो, एक क्या नाम है परचेजर रख लो। ठीक है, ऐसी प्रपोजल भेज देते हैं हेडक्वार्टर। हाँ तो ठीक है, वो जो है एक कंसाइनी को भी बना लो, कंसाइनी प्रोसीजर है इसका, जो परचेजर और कंसाइनी वो एक भी बोलते हैं, लेकिन बेटर ये रहता है फॉर ट्रांसपेरेंसी, कंसाइनी अलग होना चाहिए और परचेजर अलग होना चाहिए। ठीक है, ये होता है मैंने परचेज ऑर्डर कर दिया, क्वांटिटी दूसरा सर्टिफाई करेगा, क्वालिटी दूसरा सर्टिफाई करेगा कि वो क्वांटिटी सही है, क्वालिटी सही है, और वो चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के लिए दिस इज बेटर फॉर ट्रांसपेरेंसी कि वी हैव सेपरेट कंसाइनी एंड सेपरेट परचेजर। ठीक है, तो ये कंसाइनी कौन होगा, स्टोर ऑफिसर होगा या कंसाइनी कौन होगा? कंसाइनी, कंसाइनी तो स्टोर इज, कंसाइनी जनरली शुड बी द पर्सन हु इज द कस्टोडियन ऑफ दैट स्टोर, स्टोर फिजिकल जिसको आप पहले कहते थे, कि स्टोर में जो आईटी आती है कौन रिसीव करता है वो कंसाइनी होना चाहिए। ठीक है, स्टोर कीपर होगा, किसी दूसरे को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर आपकी परचेज। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, ओके ओके वेलकम। और सर किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो? अब तो काफी लोग कर रहे हैं जेम पे, किसी के कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ उनके पास कुछ आइडियाज हो, कुछ नॉलेज हो, तो वो भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पर अपनी बातें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए, आप लोग तो सभी सेंटरों पे तो फुल मतलब फुल फ्लेश कर रहे हैं, जेम पे वर्क कर रहे हैं, किसी को कुछ अपने उनके आइडियाज हो, कुछ उनके अपने जो नॉलेज हो उनके पास, तो वो भी यहाँ पर एक दूसरे को करिए, आप बताइए
अभी टाइम है। सर जिम में एक फैसिलिटी है सर जो पुश बटन का सर, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर। बताओ कि जिम ऐसा पोर्टल उसमें एक डेवलप किया है सर, मैं देखा हूँ कि पुश बटन जब लेकिन इतना वो मेरे को भी थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगा और मतलब जो है ना कई चीजें जी सर क्लेरिफाई होने के लिए है तो उसमें जी सर उस वगैरह वो सारी चीजें नहीं देनी पड़ेगी लेकिन अभी थोड़ा सा मैच्योर हो जाए और उसमें डिफाइन हो जाए ये फैसिलिटी है सर कि जैसे कि पुश बटन अगर ऑप्शन आप अडॉप्ट करते हो सर, जब वो पुश बटन ये करते हो सर कि जिम क्या करता है ना सर, जो L1 रहता है सर, पकड़ लीजिए कि मैं कोई आइटम का मैं बिड किया हूँ सर, उसमें 40 rupees L1 आ रखा है सर, वो क्या करता है ना सर, वो अपने आप ही पब्लिश कर लेता है कि L1 इज 40, तो उससे भी कोई रेट कम, जैसे कि हम लोग ओपन एक्शन करते हैं सर कि 40 rupees इज द L1 आया, तो उसमें से और भी कोई कम करना चाहता है यस सर, तो बिडर्स को एक ऑप्शन मिल जाता है कि 40 rupees उनका विजिबल होता है सर, उससे भी कम अगर रेट करना चाहते हैं दे कैन रिड्यूस द रेट सर। और अल्टीमेटली जम ये सर ये सर है सर, वो जो हाईएस्ट रेट है सर जम अपना भी वो हटा देगा सर, ये सर ये सर है सर, वो अपने आप ही हायर बिट वाले को हटा देगा सर, उसके ऊपर स्विच ओवर करना है जी सर। अब परचेज में पुश बटन का सर ऑप्शन आजकल बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है सर कि हम अगर ऐसा है ना आपको कोई बिलिंग में आता है केवल ये पुश बटन का ऑप्शन टाइम में आता है, बिलिंग में आता है या सारी परचेज में आता है सर? सारे परचेज में आ रहा है सर। नहीं मतलब जितने हमारे तीन मतलब कैटेगरी जो परचेज की है तो केवल जो हमारा लास्ट में बिलिंग होती है उसमें पुश बटन का ऑप्शन है सभी में है जी सर? आप अगर पुश बटन अगर ऑफ करके रखे हो सर तो अपने आप ही जम पब्लिश कर लेगा की सोंड सका रिक्वायरमेंट है, सोंड सका L1 में आ रहा है, मतलब इतना L1 फर्म का नाम बताया नहीं बताएगा सर, L1 इतना में आ रहा है, तो उससे भी कोई कम करना चाहते हैं तो वो अपना रेट को रिड्यूस करके पब्लिश कर सकते हैं सर। ये तो अच्छा है, तो ये एक एडिशनल ऑप्शन सर अच्छा है, रिफाइनमेंट होनी है थोड़ी सी उसमें आपको रेट, लेकिन प्रॉफिट के लिए ऑप्शन भी बेकार है, रेट रिजिडिटी की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी ना, लोग रेट थोड़ा कम कमाते जाएंगे थोड़े बहुत उसमें और भी कम करते जाएंगे, जैसे कि ओपन ऑप्शन करते हैं सर हम लोग। हां सर तो ये एक फैसिलिटी एक नया इनकॉर्पोरेट किए हैं सर जिम में। सर और एक छोटा सा ये दिक्कत था सर कि हमारा सर रेड फ्लैग दिखा रहा है सर, जो भी फर्म सर फोन करके हमें पूछता है तो आपका रेड फ्लैग है, तो सर उसको कैसे हम कभी कभी सर पेमेंट आजकल हम भी सारे रेड फ्लैग होने वाले हैं क्योंकि हमारा जो हमने जेम से खरीदा था वो अभी हमारा बजट आया नहीं है, कुछ लोगों के फोन आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, थोड़ा आप वेट करो और आपको इंसिडेंट हमारे अगेंस्ट रेज ना करें, जैसे ही हमारे अगेंस्ट इंसिडेंट रेज होते जाएंगे रेड फ्लैग है बहुत दिनों तक रहेंगे, तो हो सकता है जिसकी आईडी से परचेज हुआ उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी कम से कम 1-2 महीने के लिए। अच्छा दूसरी बात, आपने परचेज भी कर दी पेमेंट भी कर दी, अगर पेमेंट वो जैम पोर्टल पे अगर आपने अपडेट नहीं किए तभी आपको पेमेंट दिखाता ही नहीं, तो उसके लिए जो है अब हमने हेडक्वार्टर में तो शुरू कर दिया है उसका पेमेंट का हम अपडेट करते हैं, जाके उसका अपडेट करना पड़ता है वो क्या उसमें जो है फिर जाके आपकी होती है फाइनल, तो आपकी परचेज तभी कंप्लीट होती है जैसे मटेरियल आ गया, आपने CRC काट दी, CRC काटने के बाद आपने बिल भेज दिया, बिल पेमेंट होने के बाद जब उसका पेमेंट होता है तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उस पर अपलोड करनी पड़ती है सर। हमारा भी रेड फ्लैग शो कर रहा था पर हमने जो है वो मैनुअली एंट्री डाल दी थी उसमें पेमेंट की। हाँ हमने भी डाली है, ऑरेंज है इस टाइम, ऑरेंज है, ऑरेंज तो है ही नहीं पर हमारा रेड था पर अब खत्म हो गया है क्योंकि हमने मैनुअली डाल दी थी, मैंने एंट्रीज जो पेमेंट हमारे पास ईटी आई थी वहां से लेके हमने मैनुअली डाल दी थी बल्क पोस्टिंग करके। सभी कोई ना एक टाइम लगा के आज इसमें भी है ना, तो इसमें जो है ना वो जेम पे आप लोग जो है ना पेमेंट अपडेट कर लो,
उसले जो है ना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो जम जो है वो परचेज आईडी सस्पेंड कर देगा और फिर हमारे को प्रॉब्लम होएगी। ये ऑडिट की तरफ से भी उसमें जो है ना जो पेमेंट हो जाती है तो उसमें वो फिगर वगैरह लेके उसमें अपडेट कर दिया करो। ओके सर। नहीं तो रेड फ्लैग रहेगा, तब तक कंप्लीट परचेज नहीं मानी जाती जब तक पेमेंट ना होगा। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि सीआरसी जो मैंने जेम्प हेल्पलाइन पे भी बात की थी, जैसे कोई सामान आया आपको आ गया, आपने देखा सामान सामान सही नहीं, आप वेट करते रहे, अगर 15-20 दिन 25 दिन वेट करते हुए हो गई फर्म देती रहेगी तो ऑटोमेटिकली भी कईयों की सीआरसी हो गई। तो मैंने उनको कहा था कि भाई ऑटोमेटिक जो सीआरसी का प्रोविजन है ये प्लीज जेम्प से हटा दो। फर्म सप्लाई करती है, फर्म बोलती है हम ये रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब फर्म इतने दूर से यहाँ से, अब हम यहाँ से परचेज करते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं, कोलकाता से आएगी चीज़ें, कोलकाता से आते हुए यहाँ पे आएंगे, एक बार आया दूसरी बार सामान आते समय लगता है तो उसमें 20-25 दिन निकल जाते हैं। तो मैंने इस तरह उनको सुझाव दिया था कि ये सी आर सी ऑटोमेटिक जो जनरेट हो जाती है, कंसाइन जो है हमारी जो है ना वो जो है फाइनल जो कंसाइनी रिसीट है वो जनरेट ना हो कम से कम, और अगर फाइनल आपकी कंसाइनी रिसीट जनरेट हो गई फिर 15 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो हम रेड फ्लैग या अगर वो इंसिडेंट करे तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम आती। पीछे 2-3 इंसिडेंट हुए थे तो हमने रीजन दे के पेमेंट दे के पेमेंट हमने कर दिया तो जेम ने सेटिस्फाई होके वो हटा दिया। ये जेम पे प्रॉब्लम है और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपकी हर एक्टिविटी जो है वो वॉच होती है हर चीज़ का वो, और आपकी पेमेंट कब रिसीट किया, कब आपने कंसाइनी रिसीट कंफर्म की, कब पेमेंट हुई, तो ये सारा जो है मॉनिटर होता है और उसी के मुताबिक आप जो है येलो और ऑरेंज और रेड फ्लैग ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे। और किसी का कुछ हो अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जी वैसे तो मुझे लगता नहीं इतने साल हमारे को, अब तो 1.5 साल हमने बहुत इस साल बहुत जेम से परचेजेस किए। अच्छा दूसरी एक बात इसमें ये भी है कि परचेजेस अगर हम थ्योरी में कितना करते रहे, जब तक आप प्रैक्टिकली जेम पे ऑनलाइन आप नहीं जाओगे किसी की और की आईडी से भी आप साथ उनको बैठा के तो वो करके वो उसको मतलब सबको जो है वो थोड़ा थोड़ा जब तक आदमी उस पर करेगा नहीं और तो नहीं होगा। बाकी तो उसमें आपको थोड़ा सा कई बार वो प्रॉब्लम आती है कि ये क्या बोल रहा है, हमें क्या आगे करना चाहिए, तो फोन फोन करके पूछ सकते हैं। बाकी जो आपका डाउन मेनू होता है उसमें वो सब कुछ आपको बताता जाता है कि ये चीज़ करो, ये करो, ये करो, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने इनेबल कर दी है जिससे आपको परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी की क्वेरी हो, कोई चर्चा करने हो, अपना एक्सपीरियंस हो बताना हो, दूसरों को भी फायदा जिससे हो जाए। नहीं ये तो समाप्ति की तरफ करते लोग और कंक्लूड करें। हाँ नहीं इन लोगों से पूछ लो, वैसे पूछ तो मेरे को लग रहा है अब जय सब लोग फर्स्ट है और अच्छा ज्ञान लोगों को गया इसीलिए सब चुप है मेरे ख्याल से। ठीक है तो सर कंक्लूड करते हैं, है ना। सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू, शर्मा साहब को स्पेशल थैंक्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, बड़ा अनुभव है उनका लंबा परचेजिंग का, तो पिछले इंस्टीट्यूट में थे वहाँ भी उन्होंने बड़ी इक्विपमेंट्स वगैरह काफ़ी कॉस्टली खरीदे और जैम के ऊपर अभी आए तो इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छा काम, जैसे परचेजिंग का आप देखोगे सभी चीज़ें व्हीकल्स हैं इनके ऊपर बड़ा अच्छा काम किया, तो एक्सपीरियंस उनके पास बहुत है और आगे भी सर से हम दूसरे एक्सपीरियंस भी जो है लेंगे, दूसरे जो चैप्टर है या सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी नेक्स्ट 2-3 महीने बाद अभी 1-2 महीने का स्लॉट बुक कर देंगे नेक्स्ट का। सभी लोग पहले तो नोट कर लें कि नेक्स्ट 10 मई को अनिल बगासी जी देंगे पे फिक्सेशन के ऊपर ट्रेनिंग का, तो उससे नेक्स्ट वाले में डिसाइड कर लेंगे डायरेक्टर साहब के साथ अप्रूवल लेके। हाँ गोयल जी, आपका बंद है, माइक बंद है।
हाँ सर, मेरा थोड़ा सा आप लोगों से एक आग्रह है जी। कि हम लोग जो स्टोर में काम कर रहे हैं और काफी सालों से, क्या मतलब हमको गेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया गया है, तो केवल एक इंटरेक्शन मीटिंग या इस तरह का कुछ ऑनलाइन हम लोगों को समझा दिया जाता है। केवल जो हम लोग बात कर रहे हैं सब प्रैक्टिकली हो रहा है, जो हमारी 12th है हम उन पेपरों के हिसाब से बात कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं, जैसे 2 साल सर ने बताया कि 2 साल से काम करते हुए बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोगों को भी थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाए। तो सर इसको शर्मा सर से भी थोड़ा सा हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए। गोयल जी आप क्या कब से चल रहा है जैम के ऊपर काम प्रोसीजिंग? हमारे यहाँ एक टेक्निकल ऑफिसर है। नहीं, करीब करीब 5-6 साल हो गए होंगे, 4 साल तो हो गए होंगे ना? 4 साल से जब परचेज हो रहा है, स्मूथली चल रहा, और अगर वो आपको कोई नहीं सिखा रहा, आप हेड के थ्रू प्रपोजल भिजवाइए कि भाई हमें सिखाने जा रहा है या ये चीजें। अब आप हेडक्वार्टर वाली बात करें, जब आपका चल रहा है और अगर जो कोई आपके इंचार्ज या दूसरे आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप डिटेल भेजो, ये चीजें लिख के भेजो, हेड साहब के थ्रू भिजवाओ, क्योंकि डीलिंग हैंड आपको भी सीखना है साथ साथ। डीलिंग हैंड होने के साथ साथ हम लोगों को भी काम सीखने का इंटरेस्ट है और हम सब काम सीखना भी चाहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन ही इसे चलाएगा, उसके एब्सेंस में दूसरा भी चलाएगा, उसके पासवर्ड पे भी चलाएगा। शर्मा सर के पासवर्ड पे यहाँ पे हमारे यहाँ जो भंडारी जी आशीष चौहान है वो भी काम करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई उसकी कोई ऐसी सीक्रेसी है या उसे लेके कोई भाग जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो इसी के लिए बस थोड़ा सा प्रयास रखना है कि कुछ होना चाहिए सर। नहीं, प्रयास रत नहीं है, हमने बता दिया है कि हम एंट्रेंस के थ्रू आपको प्रपोजल दे रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयार हैं हमारी। तो ऐसा कुछ है, आप अपने हेड से हेड को लिखिए, हेड को बताइए कोई प्रॉब्लम है, पहले सेंट्रल लेवल पे तो डिसाइड करो, उसके बाद अगर वहां नहीं होता तब फिर डायरेक्ट साहब के पास आप अप्रोच कर सकते हो या हेड क्वार्टर में सीओ साहब के पास। थैंक यू सर। आप क्या नाम है? सुनो, क्या नाम है? एक मिनट में पूछता हूं। ऐसा है, हम आप लोग सब आपस में कुलीग है और सबको पता है कौन कहाँ है, वो है हर आदमी। अब मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं आईडीसी में सिर्फ इनको जो है टेक्निकल और इंटेलिजेंस इनपुट देता हूँ, बाकी मेरी आईडी यही लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है आप लोगों की किसी की आईडी है तो आप लोग भी उसको जानकारी दे सकते हैं, वो कोई दूसरा भी आपकी आईडी से काम कर सकता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आईडी खोलोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए कम आईडी का पहले यही भी आइडिया था कि कम आईडी खोलोगे तो पता रहेगा कि ये 2 आईडी है, इससे काम हमारा चल रहा है, इजीली हमारे को जो है ना मेंटेन करना भी ठीक रहता है। तो इसीलिए हमने ज़्यादा आईडी नहीं बनाई थी, क्योंकि जब ज़्यादा आईडी बना ली तो उससे देखा कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, उससे तो हमारे को चेंज है उसका मॉनिटर, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज्यादा आईडी की कोई मतलब जो है ना, 1-2 आईडी बहुत है और उसमें कोई नहीं है। आपस में कोई ऐसे तो नहीं है कि हम जो है एक दूसरे की आईडी से कोई गलत काम करेंगे, या कोई गलत काम करेंगे तो किसी से छुपा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, मेरी आईडी है, मेरी आईडी से कोई और का, सब ट्रेसेबल चीजें हैं। तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और ठीक है सर, ठीक है। कंक्लूड हो रहा है तो यहाँ कनेक्ट पा रहा था आज। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और जितने भी इस ग्रुप में ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शर्मा जी को सुना, कुछ अपने डाउट्स होंगे वो जरूर क्लियर हुए होंगे। जैम पे हमारा पिछले साल 80% हम खर्चा कर पाए हैं,
बहुत अच्छा अचीवमेंट है क्योंकि 75% का हमारा जो है टारगेट रखा हुआ है ICR ने, लेकिन अब ये धीरे धीरे 100% की ओर जाना है। तो इस संदर्भ में जो आप लोगों ने पीछे कोशिश की है, जैम को फॉलो किया है, तो बहुत ही आपका अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सराहनीय है। और हम जो है परिषद में जो इंफॉर्मेशन देते रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी रही है कि हमारे ऊपर कोई कमेंट्स नहीं रहा। ICR इसमें बहुत फोकस कर रही है कि आपको जैम से ही परचेज करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप अगर जो उसमें इफ एंड बट लगाए कि साहब सप्लाई नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, टाइम एंड अगेन सप्लाई ऑर्डर दे रहे हैं फिर वो सप्लाई नहीं आ रही है, एक्सेप्ट एक्सीजेंसी, उस केस में आपको मार्केट या कोई और ऑप्शन एडॉप्ट करना होगा, अदरवाइज हमें तो जैम से ही परचेज करना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे प्लांट्स वगैरह हैं, सैपलिंग्स हैं, वो नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर लगाएं जब भी आप परचेज का प्रपोजल प्रोसेस करें, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो तो फाइल में लगा के रखें, और हेडक्वार्टर पे सबमिट करते हैं तो उसको आप नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को लगा के प्रस्तुत करें। और कुछ आपके डाउट्स जो भी रहे होंगे क्लियर हुए होंगे, और भी अगर जो कोई डाउट्स हो तो आप नोट करके रखें, जब भी आपको एनकाउंटर्ड होता है वाइल यूजिंग जैम एप्लीकेशंस तो आप शर्मा जी से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहिए, कुछ हम या हमें फ़ोन कीजिए, वी आर मोस्ट वेलकम। अगर जो जैम की कोई भी क्वेरी है तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या अगर जो हमारे लेवल पर नहीं होता है तो जो नोडल ऑफिसर है ICR में वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन जैम पे नहीं हो रहा है ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये बार बार जब ICR में सेक्रेटरी साहब मीटिंग लेते हैं जैम के ऊपर, डायरेक्टर्स कई इंस्टीट्यूट के ये सवाल उठाते हैं कि साहब जैम पे नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्लियर कट दो शब्दों में कह दिया, देयर इज नो ऑप्शन बट टू थ्रू ओनली जैम, तो जैम को ही फॉलो करना है। और ये मीटिंग भी, ये ट्रेनिंग का डे आज जो इसमें रखा है जैम पे ये इसीलिए रखा है, आप इसी पे ही फोकस करें। और अब तो आपको पता ही है APR में भी एक कॉलम है, आपको बताना है कितना परसेंट आप जैम से परचेज कर रहे हैं। एक मेरी और रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे WU पोस्टेड हैं सेंटर पे, वो कृपया जरूर स्टोर्स की परचेज फाइलों को एग्जामिन करें। ऐसा नहीं है कि आप DDO हैं तो स्टोर्स की फाइल नहीं चेक करेंगे। सेंटर्स के लिए ऐसा नहीं है कि WA की काम देखेगा कि जी वो तो DDO है इसलिए और कोई फाइल नहीं देखेगा। ये हेडक्वार्टर लेवल पे है कि हमें डिफरेंट DDO है तो स्टोर का चार्ज नहीं देखेगा। सेंटर पे हमारा लिमिटेड स्टाफ है, उसको सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करना है, देखना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अगर जो इस संबंध में कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर चिट्ठी लिखें और उसका बकायदा हम इसमें ऑर्डर भी निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टोर्स की फाइल एग्जामिन नहीं करनी है। मुझे उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए गए होंगे। इन्हीं दो शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।